पुरानी हिंदी पिक्चरों में हमने देखा है कि गवाह कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचता है, लेकिन कोर्ट के अंदर जाने से पहले ही उस पर गोली चल जाती है। 21 अप्रैल को साकेत कोर्ट के बाहर ठीक ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां एक महिला और वकील पर वकील के भेष में पहुंचे हमलावर ने कई राउंड फायरिंग कर दी। महिला को करीब 3 गोली लगी तो वहीं दूसरे वकील को 1। मौके पर मौजूद लोगों ने महिला को किसी तरह संभाला, उसे इलाज के लिए एम्स भेजा गया। दूसरी तरफ वकील की ड्रेस में आया हमलावर कैंटीन के पीछे गेट से निकलकर फरार भी हो गया। मामले में पुलिस और बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चश्मदीद सबके बयान सामने आए हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली के साकेत कोर्ट में जहां मेटल डिटेक्टर है, वहां गन लेकर हमलावर पहुंचा तो कैसे। 10 बजे के करीब का टाइम था और 10 बजे कोर्ट स्टार्ट हो जाती है, तो हम सब लोग कोर्ट में थे। हमें तो कोर्ट के अंदर फायरिंग की आवाज आई और जैसे ही आवाज आई सब इधर उधर एकदम भागना शुरू हुआ। आगे क्या हुआ अब उसके बारे में अभी कुछ नहीं पता चल रहा है, क्योंकि सारी जो मैनेजमेंट है सब इधर उधर हो चुकी है। अभी डीजे से भी बात की जा रही है, डीजे साहब से, जो हमारे बार के प्रेसिडेंट हैं विदुर शर्मा जी भी, अभी वो भी बात कर रहे हैं। घटना 21 अप्रैल सुबह 10 बजे के आसपास की है। रोजाना की तरह दिल्ली के साकेत कोर्ट में काफी भीड़ थी, कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। इस बीच 42 साल की एम राधा एक चीटिंग केस में गवाह के तौर पर पहुंची थी, लेकिन कोर्ट के अंदर जाने से पहले ही उस पर दनादन गोलियां बरसा दी गई। राधा के साथ वहां वकील राजेंद्र झा भी मौजूद थे, जिन्हें एक गोली लगी है। वहीं आरोपी का नाम कामेश्वर सिंह उर्फ मनोज सिंह बताया जा रहा है, जो एक सस्पेंडेड वकील है। हमारे यहाँ एक राजेंद्र झा एडवोकेट थे, उनकी क्लाइंट थी एक लेडी, उसको 25 लाख रुपीज RTGS से वाइट में दे रखा था ब्याज में। वो उससे पैसे मांग रहे थे, पैसे नहीं दे रहे थे। बाद में FIR हो गई थी, FIR होने के बाद शायद उनकी बेल वेल हो गई, तो उसके बाद इन्होंने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उस लेडी पे ये फायर किया है। आज जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक महिला का आरोपी से पैसे का विवाद है। आरोपी ने वसंत कुंज एनक्लेव में रहने वाली महिला के खिलाफ धोखाधड़ी का केस कराया था, उसी केस की आज सुनवाई थी। दरअसल आरोपी कामेश्वर सिंह ने महिला एम राधा और एक वकील राजेंद्र झा के खिलाफ 1 जुलाई 2022 को साकेत थाने में 25 लाख रुपए की ठगी का केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि हाई रिटर्न देने के नाम पर दोनों ने उससे 25 लाख रुपए ठग लिए। आरोपी आज सुबह वकील के भेष में कोर्ट पहुंच गया और घात लगाकर महिला और वकील राजेंद्र झा पर फायरिंग कर दी। राजेंद्र झा का चैम्बर साकेत कोर्ट में है। राजेंद्र और राधा दोनों अब खतरे के बाहर बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। ताज्जुब की बात है कि हमलावर दिल्ली के साकेत कोर्ट में हथियार लेकर पहुंच गया और पकड़ा नहीं गया, जबकि कोर्ट में मेटल डिटेक्टर लगे होने के दावे किए जाते हैं। इसके बावजूद गन अंदर पहुंच गई और घटना को अंजाम भी दे दिया गया। ऐसे में हैरानी तो होगी, क्या कोर्ट परिसर भी सुरक्षित नहीं है, ये सवाल जरूर उठता है। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले पर सवाल उठाए हैं। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। दूसरों के कामों में अड़चन करने और हर बात पर गंदी राजनीति करने के बजाय सबको अपने अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, और अगर नहीं संभलता तो इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि कोई और कर ले। लोगों की सुरक्षा राम भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। और आए दिन ये घटनाएं आजकल कोर्ट में बढ़ती जा रही है। हमने भी पीछे भी स्ट्राइक करी थी इसी पॉइंट पर लेके कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए। कल को कोई भी हमारी ड्रेस में आएगा और गोलियां चलाएगा तो उसका फिर हमारी प्रोटेक्शन कहां जाएगी? कल को आज तो क्लाइंट को लगी है, कल को हमें भी लग सकती है। इन सारे सवालों से परे अगर बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की सुने तो उनके मुताबिक कोर्ट की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है। सुरक्षा में कोई चूक नहीं है हमारे यहाँ सुरक्षा बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही है और चारों तरफ चल रही है। डीजे साहब ने भी बहुत अच्छी सुरक्षा कर रखी है। यहाँ सारे गेट्स हमारे पुलिस ऑफिशियल से मैंड हैं। इवन हम लोगों ने अपने लॉयर्स को इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर जब भी जाते हैं अपना आई कार्ड प्रॉपर दिखा के जाते हैं। जितने लिटिगेंट्स आते हैं उनकी फ्रिस्किंग होती है, प्रॉपर मशीनें लगी हुई हैं। दरअसल हमलावर कोर्ट परिसर के बारे में सब कुछ जानता था, वो पहले काफी सालों तक यहाँ वकालत करता था। हालांकि एक चीटिंग के मामले में उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। बहरहाल बार एसोसिएशन और पुलिस इस मामले में भले ही ये दावे कर दें कि ये सुरक्षा का मामला नहीं है, गन क्या पता कोर्ट के अंदर ही छुपाई हो,
अपनी पुरानी वकील की पहचान के चलते वो अंदर भी आ गया हो, लेकिन फिर भी ये मामला आम नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। पिछले साल 24 सितंबर 2021 को वकीलों के वेश में दो हथियार बंद बदमाशों ने दिल्ली के रोहिणी रूम के अंदर गोलीबारी कर गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी की हत्या कर दी थी। इसके बाद पुलिस की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई में दोनों बंदूकधारी हमलावर राहुल त्यागी और जगदीप जग्गा भी मौके पर ही मारे गए थे। कथित तौर पर दोनों हमलावर वकीलों की ड्रेस में कोर्ट के अंदर दाखिल हुए थे, तो ऐसे में एक तरह की सिक्योरिटी लैप्स पर सवाल खड़े होना लाजमी है। एफआईआर रजिस्टर हुई थी, चीटिंग का केस था वो। चीटिंग का केस हमारी आज के इंसिडेंट की प्रेजेंट विक्टिम उस केस में अक्यूज्ड है, जिसमें कि उसने कुछ पैसे लिए थे इस कंडीशन पे कि उसकी डबलिंग करके देगी। वो पैसे रिटर्न नहीं किए थे उसने, और क्योंकि चीटिंग के और भी मसले चल रहे हैं हमारी आज की विक्टिम के ही खिलाफ और कोर्ट में चल रहे हैं 156(3) में, बेसिकली यही मैटर था और उसी से रिलेटेड में। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।